मैंने शनिवार को एक ब्लॉग बनाया था फुल बॉडी वाला, तो इसका है ना स्नैपचैट का ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ चूँकि ऐसा, पर इसका तो होने का लगा है। तो कोई नहीं, आज आप इस बनाएंगे ब्लॉग तो रोज़ बनते रहते हैं। अभी पूरा जिम खाली है, हम सिर्फ 3 ही जाने एक दोस्त से। अभी हम लोग मारेंगे लेग, पहले हम लोग स्क्वाट से चालू करेंगे, फिर मशीन पे जाएंगे, फिर लास्ट में काफ भी मारेंगे, और वहाँ पे 2 मशीन भी है। जब भी आप एक्सरसाइज चालू करो तो उसके पहले आप थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लो, हाथ की मूवमेंट कर लो यू यू, फिर आप लेग से स्ट्रेचिंग कर लो, हाथ पूरे नीचे टच उठाने चाहिए आपके कुछ इस सारा, फिर लेग को खोल लो थोड़ा सा ऐसा करके। अगर ये वाला भी नहीं होता तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है लेग की जो आप कर सकते हो वार्म अप की ओर। आपके जो हिप्स हो गए उसको खोल लीजिए थोड़े ऐसे ऐसे मूवमेंट करके, उसके बाद आपका वार्म अप, और अगर उसके बाद स्ट्रेचिंग करोगे तो बहुत बढ़िया ही आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, आपको कभी भी क्रैम्प नहीं आएगा या फिर मसल टीज नहीं होगा जैसा काफ पे होता है, वैसा नहीं होगा कभी भी। हमारे ये वार्म अप सेट मतलब मैं मारूँगा, नब्बे किलो मारूंगा, ये 17-17 की दो, 17.5 ये 20 की रॉड। तो जब भी आप हैवी मारो तो क्लिप लगा लिया करो, क्लिप ऐसे ही है तो अनबैलेंस हो जाए तो आप का वेट की वजह से गिर ना जाओ। तो चलिए चालू करते हैं। अगर आपसे ज़्यादा वेट नहीं लग रहा है तो कम वेट से चालू कीजिए, और रैप ज़्यादा मारिए और सेट भी ज़्यादा मारोगे तो वैसे वैसे करके आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे करके आप ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर पाओगे। अभी मैंने 90 मारा था, आज ज़्यादा नहीं मारना है, तो आज मैं आज कितने 5 सेट मारेंगे हम लोग, वरना वज़न कम रख के रैप 10-10 लगा के। भाई अगर जिम में एसी नहीं है तो बहुत हार्ड होता है। अभी ये वाला जो ऊपर वाला एसी है वही नहीं चल रहा, तो इतनी गर्मी लग रही है कि 2-3 सेट में पूरा पसीना आने लग गया है। अभी ये चालू मेरे को फ़ायदा नहीं है, ये जिम वाले अगर अपना काम ठीक से करे तो किसी को बकचोदी करने की जरूरत नहीं। कोई नहीं हनी भैया वेट लगा रहे, कितना लगा आज 70 10 10 ओके 17.5 10 गुड। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि बाल ऐसे क्यों बांध रहा हो, कि वो मुंह पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो मेरे को पसंद नहीं आता वो, तो इसलिए मैं ये बांध के रखता हूँ। ये मेरे पास एक कपड़ा था तो मैंने उसको आधा काट के सी दिया तो ऐसा बन गया, और वो बैंड होते हैं वो स्टील के, तो उससे यहाँ पे दर्द करने लग जाता है, इसलिए वो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। छपरी बेरोजगारी पे
मेरे से सपोर्ट मांगते हैं ताकि उनको लगे अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। अभी हम लोग मारेंगे लेग प्रेस, अभी थोड़ा जूते निकाल के ही मारो, अभी से मारो तब तो उससे क्या थोड़ी ज़्यादा अच्छी ग्रीप आती है। पर आपको लेग तो पता ही है कि लेग को अपने ज़्यादा बैंड नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो चलिए मारते हैं। दो सौ साठ किलो लेग प्रेस मारूंगा, तो देख लीजिए 260 किलो कितना, तो बाद में लिया 17 की। अभी मैंने लगाया है कितना 69 केजी है ये, और देखते हैं कितना लगता है, इसे मार ही देता हूँ मैं। अच्छा गुड नंबर। दोस्तों एक बात बताता हूँ, अभी एक दी राइस ऑफ हनुमान करके एक ट्रेलर आया है, जो एक इंडिविजुअल एक दो जन ने मतलब दो लोगों ने मिलके बनाया, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करना, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, और दी राइस ऑफ हनुमान करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, उसको सपोर्ट कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़। आप लेग के लिए अगर आपको लेग ग्रो कर रहे हैं और तो लेग एक्सटेंशन तो मारेगा ही, उसके बाद ये हैमस्ट्रिंग्स और ये हैमस्ट्रिंग भी कीजिए, तो उससे आपकी बैक वाली ज़्यादा ग्रो होगी, जैसे कि अपने ट्राइसेप में होती है, जैसे कि बाइसेप होता है छोटा ऐसे होता है, पर नीचे का हिस्सा ट्राइसेप बहुत बड़ा होता है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको आपके पैर थोड़े टाइट और आपकी जीन्स भी और थोड़ी टाइट आपको फील होगी, और लेग भी वैसे वैसे आपके बड़े होते रहेंगे। अभी क्या बोला था, मेरी गर्ल दिखती है क्या था वो? मैं मारूंगा काफ, अभी चालू कर रहा हूँ काफ आ रहे हैं, ये वो अप भी दिखाता हूँ, दस दस लगा के मारता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। Party, I'm in it.
साला फील हो रहा था ये वाला कि यहाँ पर तुम दादा ही हो ले रहा है Conversations with the stranger, rebel, you know. Why are you running? Why are you running? तो दोस्तों हम लोग यहाँ भी मौत का खेल खेल रहे हैं हम लोग अरे मेरे को पता आधा बन गया मोटे से परेशान बोल रहे हैं मौत का खेल मतलब आई काम कर रहा है अगर आपके एक आंट में तो ये करके दिखाओ एक बार नहीं तो मेरे साथ बात मत करना साले गरीब हो साले कमजोर इंसान कमजोर हाँ कमजोर हो सालो हरा वो नहीं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ से गरीब हो तुम हाँ स्ट्रेंथ से कमजोर ये हमारे दोस्त जो हमें मिले ये क्या है ये भाई अभी एक बार मार के आपको दिखाएंगे ये कैसे मार दे चलो ठीक है अच्छा भाई क्या कह रहा हूँ हम लोग काड़े में जा रहे थे पर मना कर दिया हमारा लैग ख़त्म हो गया बहुत बढ़िया अभी आएंगे हम लोग घर अभी हम लोग नीचे जाने के लिए निकल चुके हैं और देश का युवा जिम जाने लगा है आजकल बहुत भीड़ लग रही है जिम में बाकी पहले तो आते नहीं थे लॉकडाउन के बाद बहुत एकदम फिटनेस का ग्राफ यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया पर कोई नहीं अच्छी बात है वैसे भी मैस्कुलरिटी बढ़नी चाहिए और वो भी अच्छी वाली ऐसा नहीं क्या कि हम मर्द हैं तो कुछ भी करेंगे इक्वली होना चाहिए मिसोजिनेशन नहीं बनना है एंड्रू टट्टे जैसा साला भोसड़ी का रंडवा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो जो हिंदुत्व के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है इसलिए दादा अभी जो भी इंस्टाग्राम पर जो बकचोदी करते हैं कि एंड्रू टेट के वो सिग्मा व्हील वाले वो लगा देंगे खुद कुछ पता चलेगा नहीं और पहले नॉलेज इकट्ठा करो कि वो क्या करता है उसके सारे इंटरव्यू देखो कि उसका अपने बाकी धर्मों के बारे में उसकी क्या सोच है एक उसका एक इंटरव्यू था उसके अंदर एक जने पूछता है कि हिंदू धर्म के बारे में आपका क्या कहना है तो वो चूतिया बोलता है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता बहुत ही कि मतलब एनिमल्स को पूछते हैं Hindus pray into elephant. बोला था उसने मेरे को पूरा याद नहीं है पर उसने पूरे शब्द उसके वही दे अगर आपको मेरे को मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा पर किसी का भी अंधा भक्त मत बनो अगर भक्त बनना है तो शिव जी का बनो बाकी बाढ़ में जाओ चलो मिलता अभी मैं घर जाता हूँ अभी शाम को शायद डीमार्ट जाऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि ओट्स कौन सा लेना है अगर नहीं गया तो वीडियो यहीं पे क्लोज अगर जाऊँगा तो मैं पूरा बता दूंगा आपको